लक्ष्मी को पूजा पाठ मतलब क्या? माता लक्ष्मी को जब हम माँ कह रहे हैं, जब हम चाह रहे हैं कि माँ हमारे घर में रहे, तो दोस्तों माँ को थोड़ा तो मनाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम उनकी आराधना, उनकी पूजन, कोई मेहमान भी हमारे घर आता है तो भी हम उसको चाय पानी पूछते हैं। फिर माता को हम हमेशा के लिए स्थायी रूप से अपने घर पे आने के लिए कह रहे हैं दोस्तों। ऐसे में माता की थोड़ी तो हमें उपासना करनी चाहिए। माता को अपने बच्चों पर जब प्यार आएगा तभी तो वो अपने घर पर आएंगी। दोस्तों एक छोटा सा उपाय होता है जो माता को प्रसन्न करने के लिए, मन चाहा वरदान पाने के लिए, जो कि आप अगर करें तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आपके घर पे आ जाती है। दोस्तों झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, और माना जाता है कि जिस घर में पूरी तरह से साफ सफाई रहती है वहां पर सभी प्रकार के वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं और उस घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास रखता है। दोस्तों अखंड धन संपत्ति पाने के लिए आपको झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। एक छोटा सा प्रयोग आपको बता देती हूँ कि झाड़ू का आपको क्या करना है। आपको करना है झाड़ू का दान। दोस्तों उस दिन दिवाली के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन झाड़ू खरीद कर इसे पूजा करके अगले दिन इस्तेमाल करना चाहिए। झाड़ू के सही इस्तेमाल से घर के बहुत सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं हमारी झाड़ू को लेकर के, और जब हम धर्म की बात करें तो झाड़ू का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। अगर जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में माता लक्ष्मी का अपमान होता है। दोस्तों दिवाली के दिन अगर स्थायी लक्ष्मी का वास चाहिए तो आपको मंदिर में शुभ मुहूर्त में झाड़ू दान करना चाहिए। कैसे दान करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह सूर्योदय के समय आपको 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करना है। बिना किसी को बताए करें, अगर घर में कोई ऐसा मेंबर है क्लोज फैमिली वालों को, बट ऑफ कोर्स पता रहेगा, आप अपने पति को पत्नी को बता दें, पहले से ही बता दें ताकि आपको ऐन वक्त पे कोई ना टोके। अर्ली मॉर्निंग जा करके झाड़ू दान करना है आपको, और मंदिर में झाड़ू दान करने के लिए शुभ मुहूर्त में करें, ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, जैसे कि दिवाली वाले दिन। आप चाहें तो कोई और भी शुभ योग में इसको कर सकते हैं, जैसे कि पुष्य नक्षत्र हो, रवि नक्षत्र हो, या फिर कोई भी त्यौहार पे अनपूछा मुहूर्त होता है जैसे दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, आखा तीज हुआ, तो इस दिन दान की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू का दान करने से, और जिस दिन भी आपको ये काम करना है, जैसे दिवाली वाले दिन करना है आपको ये काम, तो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद करके ले आनी है। जब भी दोस्तों आप मंदिर जाएं, तीनों झाड़ू को प्रणाम कर ले, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर ले कि हे माता रानी, मैं ये झाड़ू मंदिर में दान कर रहा हूं, मेरी मनोकामना, मेरी धन संबंधी जो भी रिलेटेड समस्या है वो आप दूर करें। दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन किसी नए घर में भी प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नई झाड़ू को ले करके ही घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख और समृद्धि का वास रहता है। दोस्तों झाड़ू को खुला रखना अब शगुन माना जाता है। मुख्य द्वार पर कभी भी झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। जब घर में झाड़ू आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे नजर के सामने ना रखें। नॉर्थ दिशा की तरफ आप झाड़ू को छिपा करके रखें। दोस्तों आपको ध्यान रखिए झाड़ू को कभी भी पूजा घर, भंडार गृह, बेडरूम में, ये सब में नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में झाड़ू को रखने से वैवाहिक जीवन में अनबन शुरू हो जाती है। आड़े दिन अगर त्यौहार पे तो चलिए आप वेडनेसडे को झाड़ू खरीद लेंगे, थर्सडे को दिवाली है, पर आड़े दिन अगर आपको झाड़ू खरीदना है तो हमेशा कड़े वारों को खरीदना चाहिए। कड़े वार कौन से? ट्यूसडे, सैटरडे और संडे को खरीदना चाहिए। और जब भी आप झाड़ू खरीदें हमेशा ऑड नंबर्स में खरीदें, इवन नंबर्स में नहीं खरीदें। इसका मतलब हुआ कि 1, 3, 5, 7 ऐसी गिनती में झाड़ू खरीदें। कभी भी आपको 2, 4, 6 इस तरह से झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए।
दोस्तों आपको मैं बता दूं, 3 झाड़ू एक साथ अगर आप अपने घर के लिए लेते हैं तो बहुत ही लकी माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत समय से अगर आप यूज़ कर रहे हैं झाड़ू को तो उसको घर में ना रखें, फेंक दें, क्योंकि उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है। भले वो टूटी ना हो, फिर भी 3-4 महीने 5 महीने हो गए आपने देखा झाड़ू पड़ी है, तो दोस्तों उसको फेंक देना चाहिए। इसके स्थान पर आपको नई झाड़ू लेकर के आनी चाहिए। दोस्तों अगर झाड़ू काफ़ी पुरानी हो गई है तो शनिवार को पुरानी झाड़ू बदलनी चाहिए और शनिवार को घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप जाले आदि हैं घर में, जो भी डस्टिंग है, गंदगी है, आप अगर साफ करना चाहते हैं उसके लिए आप शनिवार का दिन चुने, आपके लिए बहुत ही लकी होने वाला है। दोस्तों झाड़ू को पैर से भूल से भी नहीं उलांगना चाहिए और झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। दोस्तों ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर आप रात के समय, दिन में छुपा के रखना है, लेकिन अगर आपके घर पर निगेटिविटी ज़्यादा होती है, बहुत सारी मुसीबतें आ रही है, तो रात के समय घर के मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रख दें, इससे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों ध्यान रखें, झाड़ू से एक उपाय होता है। दिवाली पर हम और हर उस चीज का पूजन करते हैं जो हमारे जीवन को सुख और समृद्ध बनाती है, लक्ष्मी की प्राप्ति में मददगार होती है। दोस्तों इसीलिए झाड़ू जो घरों में साफ सफाई के उपयोग में ली जाती है उसे भी हम लक्ष्मी प्राप्ति करने का खास साधन मानते हैं। दोस्तों धनतेरस और दिवाली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा बहुत ही सदियों पुरानी है और इस दिन नई झाड़ू को खरीद करके उसका पूजन किया जाता है। आपको दोस्तों थर्सडे है, मुझे पता है लोग क्वेश्चन करेंगे मैम थर्सडे को झाड़ू नहीं लाते हैं, पर दोस्तों मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया है, बार और त्यौहार दो चीज़ें होती है। अगर त्यौहार कोई होता है तो बार नहीं देखा जाता, बार का आंट नहीं रखते हैं, जिस त्यौहार हो उसके नियम को मानना चाहिए। क्या करना है आपको इस दिन, आपको सुबह सुबह नई झाड़ू खरीद के लानी चाहिए। दिवाली के दिन जबरदस्त टोटका बता रही हूँ दोस्तों आपको, बहुत ही खूबसूरत उपाय है, आप ध्यान से सुने और इस बार मेरी मान लें। दोस्तों मैं कितना भी काम होता है, दिवाली वाले दिन कहीं भी रहूँ नई झाड़ू एक ज़रूर ट्राई करती हूँ, लेके आऊँ, और सच बताती हूँ दोस्तों कभी भी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की कृपा से मुझे धन के लिए कभी भी दुख नहीं पाना पड़ा। आप ध्यान रखिए दोस्तों इस दिन झाड़ू खरीदने से पहले कि आप जो भी झाड़ू खरीद रहे हैं वो 1 खरीदें 3 खरीदें या 5 खरीदें और इस तरह से झाड़ू खरीदना शुभदायक रहता है। नई झाड़ू जो आप लाएंगे उसको पूजा से पहले अपने जो मंदिर है, पूजा रूम है, मंदिर है या ठाकुर बाड़ी है आपकी, उसमें ठीक से झाड़ू लगा लें और झाड़ू को फिर किसी भी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रख दें। रात में जब आप लक्ष्मी पूजन कर लेंगे तो पूजन होने के बाद पूजा की थाली के जो कुमकुम और चावल हैं उससे इस झाड़ू का भी आपको पूजन करना है, और लाल रंग का जो पचरंगी नाड़ा होता है या कलावा या मौली आपके पास हो उस पर 5 बार आपको लपेटनी है। इस प्रकार आपको झाड़ू का पूजन करना है। और दिवाली, देखिए दोस्तों लक्ष्मी को घर बुलाने का त्यौहार है, साथ ही साथ दरिद्रता को दूर भगाने का भी दिन होता है। मान्यता इस दिन है कि लक्ष्मी पूजन करने से लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता दूसरे दिन घर छोड़ करके चली जाती है। तो जो भी पुरानी झाड़ू है दोस्तों वो क्या चीज़ का प्रतीक है, अलक्ष्मी का प्रतीक है, दरिद्रता का प्रतीक है। इसलिए आपको नेक्स्ट डे दिवाली के अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में, इस बार शुक्रवार को पड़ रहा है नेक्स्ट डे, तो शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू से आपको पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए। अगर मेड भी करती है तो कोई बात नहीं दोस्तों, कम से कम घर का मंदिर खुद झाड़ा करें। सफाई के बाद पूरे घर के कचरे का बाहर, कचरा घर के बाहर कर दें और साथ ही साथ उस झाड़ू को भी घर से बाहर ही आपको छोड़ देना है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से लक्ष्मी
लक्ष्मी माता की जो बड़ी बहन है दरिद्रता या अलक्ष्मी, वो हमारे घर से दूर चली जाती है। दोस्तों, झाड़ू छोड़ कर आने के बाद अपने हाथ पैर धो करके ही आपको घर के अंदर प्रवेश करने चाहिए। दोस्तों, किसी भी रूप में झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी जानवर को चाहे कितनी भी मुसीबत हो जाए, झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। अगर पॉसिबल हो, आप वर्किंग वैसे ना हो तो शाम ढलने के बाद, ज़रूरत ना हो तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इन केस आपको लगाना भी पड़े तो कम से कम ध्यान रखें, घर के जो कचरा है उसको पैकेट में बांध के अपने बाहर रख दें, किचन के बाहर, उसको बाहर मुख्य द्वार के बाहर ना फेंकें। कोई भी घर से अगर बाहर जाता है कोई शुभ काम के लिए, तो भूल से भी झाड़ू उसके जाने के तुरंत 10 मिनट 15 मिनट तक ना लगाएं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है झाड़ू के रिलेटेड, अगर आप ध्यान रखेंगे तो माना जाता है माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। दोस्तों, माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करके मन चाहा वरदान प्राप्त करने के लिए किसी तंत्र मंत्र किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी अगर ये छोटी सी बात आप ध्यान रख लेंगे तो माँ लक्ष्मी ऐसे भी आपको इस दिवाली माला माल कर देने वाली है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और सभी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली से तुरंत इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सके, ध्यान से झाड़ू ला सके। दोस्तों, और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।